नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का कंपटीशन कम्युनिटी का यह खास इनिशिएटिव फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स में। टारगेट है हमारा सीजीपीएससी का आने वाला प्रारंभिक परीक्षा, जिसके मद्देनज़र हम लोग यहां पर सीजीपीएससी के कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं। जो बच्चे नए हैं उनको एक बार फिर से टाइम टेबल बता देता हूँ। सुबह 8 बजे आप लोग इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन कर रहे हो, शाम को 5 बजे आप लोग यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर, और रात को 8 बजे आप लोग छत्तीसगढ़ जीएस के क्वेश्चन कर रहे हो। नेक्स्ट वीक से कुछ और नए सब्जेक्ट्स को इसमें ऐड किया जाएगा। सारे सिलेबस को यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज करवाया जाएगा, बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। कुछ लोग छत्तीसगढ़ के वीकली करंट अफेयर की बात कर रहे थे, नेशनल का वीकली करंट अफेयर की बात कर रहे थे, तो उन लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा। आपका 10 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में एक करंट अफेयर का वीडियो आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ वाला वीकली जो सेशन चल रहा था हमारा, उसको लेकर आया जाएगा, जिसमें बाकी के जितने भी अपडेट्स हैं जब तक करवाया गया था उसके बाद से लेकर अब तक का, उसमें सारे अपडेट करवा दिए जाएंगे। ताकि आपका, अगर मानकर चलो मैंने बोला था कि 15 जनवरी तक के करंट अफेयर को अपडेट होना चाहिए, तो उसमें 15 जनवरी तक के करंट अफेयर को मैं पूरी तरह से अपडेट करवा दूंगा, उसका बिल्कुल भी आप लोग फिक्र मत करना, ठीक है। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम पे 50 क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस सेट डेली दिया जा रहा है, उसको 50 क्वेश्चन को करते रहिएगा, वो बहुत हेल्पफुल है। टेलीग्राम पर अभी तक नहीं जुड़ा है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाइएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और उस 50 क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस है वो आप लोग रेगुलर करते रहिएगा, ठीक है। तो कल वाला जो नेशनल करेंट अफेयर वाला वीडियो था, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, उसमें हम लोगों ने कुछ साइंस एंड टेक के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। खासकर हमारा जो इसरो के द्वारा जो 2019 में लॉन्च किए गए थे सैटेलाइट, उस पर हमारा खासा फोकस रहा था। आज के वीडियो में हम लोग डिफेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। डिफेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, या तो कुछ मिसाइल्स होते हैं या एक्सरसाइज होते हैं, तो इस तरह से यहाँ से, या फिर कुछ कैंपेन चलते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा मेन फोकस होगा मिलिट्री एक्सरसाइज पे होगा, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफेंस से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट। आवाज़ थोड़ा धीरे निकलेगा क्योंकि तबीयत यहाँ पर थोड़ी सी ख़राब है, और आप लोग भी अपना तबीयत का यहाँ पर खासा ध्यान रखना, खासकर इस वक्त पे। जैसे मैंने पहले भी बोला था, मौसम कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो इस वक्त में आप लोगों को तबीयत का अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो तबीयत का ख्याल ज़रूर रखिएगा, ऐसे मौके पर अगर बीमार पड़ जाते हो तो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है, मालाबार सैन्य अभ्यास 2019 का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन है आपके सामने भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका, या फिर ऑप्शन डी चीन। मालाबार सैन्य अभ्यास से रिलेटेड ना कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में, तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि ये मालाबार सैन्य अभ्यास 2019 जो है कौन कौन से देश के बीच में आयोजित किया जाता है, उसके बाद हम लोग इस प्रश्न के आंसर पे आते हैं कि इसका आयोजन 2019 में कहाँ किया गया। तो मालाबार सैन्य अभ्यास जो है एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसमें 3 देश हिस्सा लेते हैं, जापान, इंडिया और अमेरिका, ठीक है। इन 3 देशों का एक वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एक नौसैनिक अभ्यास है, वार्षिक, त्रिपक्षीय है, और कौन कौन से देश इसमें हिस्सा लेते हैं ये बात आप लोगों को समझ आ गया। कब से कब तक आयोजन किया गया इस 2019 में, इस बात को याद रखिएगा। ये किया गया 26 सितंबर से लेके आपका 4 अक्टूबर तक। कहाँ किया गया, तो ये किया गया आपका जापान में, एक शहर है सेसेबू, यहाँ इसका आयोजन किया गया, पश्चिमी प्रशांत महासागर के पास में इसका आयोजन किया गया। सबसे पहले मालाबार सैन्य अभ्यास की शुरुआत हुई थी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, 1992 में। लेकिन जब मालाबार सैन्य अभ्यास का शुरुआत हुआ था तो उस समय सिर्फ इंडिया और यूएसए इसमें हुआ करते थे, लेकिन यह त्रिपक्षीय बन गया 2015 से, यानी कि इसमें जापान भी जो है परमानेंट इसका मेंबर बन गया इस त्रिपक्षीय अभ्यास का। तो मालाबार के बारे में याद रखिएगा, कौन कौन से देश के बीच में आयोजित किया जाता है, त्रिपक्षीय है, प्रत्येक साल इसका आयोजन होता है, इस साल इसका आयोजन कहाँ किया गया, दिनांक क्या था, तो इन सब के बारे में याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपसे बनता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन
भारत किस देश के साथ मिलकर करता है। काजिंद के बारे में यहाँ से पूछा जा रहा है, बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, कजाकिस्तान। भारत जो है 3 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2019 तक कजाकिस्तान के साथ में यह मिलिट्री एक्सरसाइज किया। यह एक थल सेना अभ्यास है, जैसे मालाबार क्या था, नौसेना अभ्यास था, और यह जो है थल सेना अभ्यास है। और इसका जो आयोजन है कहाँ किया गया, इस साल उत्तराखंड के पिथौरगढ़ में किया गया था, और इसकी शुरुआत जो हुई थी ना 2016 में हुआ था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह एक वार्षिक सम्मेलन है, यह एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है, और इसका चौथा संस्करण जो है अभी हाल ही में उत्तराखंड के कौन से शहर में आयोजित किया गया, पिथौरगढ़, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ मिलकर आयोजित करता है। धर्म गार्जियन के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। और धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास जो है 2018 में ही शुरू हुआ था, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो समझ लो ये भारत किसके साथ में आयोजित करता है, तो जापान के साथ में आयोजित करता है। तो इस प्रश्न का सबसे पहले तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सही जवाब हो जाएगा जापान के साथ में। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये इसका दूसरा संस्करण है इस साल था। और इसका आयोजन कब किया गया, इसका आयोजन आपका 19 अक्टूबर से 2 नवंबर तक किया गया। कहाँ इसका आयोजन किया गया, मिजोरम में किया गया, ठीक है। तो ये सब धर्म गार्जियन के बारे में याद रखिएगा, सैन्य अभ्यास है, यानी कि यह एक थल सेना अभ्यास है, ठीक। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित स्लिनेक्स 2019 युद्धाभ्यास है। ऑप्शन ए नौसैनिक युद्धाभ्यास, ऑप्शन बी वायुसेना युद्धाभ्यास, ऑप्शन सी थल सेना युद्धाभ्यास, या फिर ऑल ऑफ दी एवर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा बताइए क्या हो गया, स्लिनेक्स। अगर स्लिनेक्स के बारे में आपसे पूछा जाए कि भारत किस देश के साथ में आयोजित करता है, तो इस स्लिनेक्स के फुल फॉर्म से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। स्ली एस एल से हो जाएगा श्रीलंका, आई एन से हो जाएगा इंडिया, और एक ई एक्स से हो जाएगा यहाँ पर आपका एक्सरसाइज। तो स्लिनेक्स एक्सरसाइज 2019 का आयोजन, स्लिनेक्स जो युद्धाभ्यास है वह एक नौसैनिक अभ्यास है, यानी कि भारत और श्रीलंका के नौसैनिक मिलकर स्लिनेक्स नामक युद्धाभ्यास करते हैं। और इस साल जो है इसका 7वां संस्करण आयोजित किया गया, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में, और यह जो है एक द्विवार्षिक यह जो है एक द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इस साल इसका आयोजन जो है 7 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक का आयोजित किया गया, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है TSENTR 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। ऑप्शन है आपके सामने रूस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, या फिर ऑप्शन डी कजाकिस्तान। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा रसिया में इसका आयोजन किया गया, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब देखिए यह किसी दो देशों के बीच का सैन्य अभ्यास नहीं है, इसमें रूस के अलावा चीन, तजाकिस्तान, इंडिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रसिया ने हिस्सा लिया, यानी कि 8 देशों ने। ये 8 देश कौन से हैं, ये हैं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर। ये 8 देशों का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है रसिया में इस साल किया गया। और इसके पीछे जो उद्देश्य ये है कि ये संघाई कॉरपोरेशन देशों के बीच में जो आतंकवाद की स्थिति पैदा होती है उसको खत्म करना। और यह एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें भारत और पाकिस्तान पहली बार किसी एक्सरसाइज में, यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लिए हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इसका आयोजन रूस में किया गया, इस बात को भी ध्यान में यहाँ पर आप लोगों को रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र लक्ष्मण युद्ध अभ्यास 2019 भारत किस देश के साथ मिलकर आयोजित करता है। ऑप्शन है मलेशिया, थाईलैंड, अमेरिका,
या फिर रूस। तो समुद्र लक्ष्मण जो है भारत मलेशिया के साथ में मिलकर इस युद्धाभ्यास का आयोजन करता है। तो इस प्रश्न का सबसे पहले जवाब तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मलेशिया, और यह एक नौसैनिक अभ्यास है और 2019 में पहली बार ही शुरू किया गया है, यानी कि समुद्र लक्ष्मण इसी साल मलेशिया के साथ में शुरू किया गया और इसका आयोजन जो है आपका किया गया 12 से 15 सितंबर तक, और इसका पहला आयोजन जो है आपका मलेशिया में ही किया गया है। और ये तो हो गया समुद्र लक्ष्मण, एक समुद्र शक्ति भी युद्धाभ्यास किया जाता है, ये भारत इंडोनेशिया के साथ में किया जाता करता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, समुद्र लक्ष्मण जो कि इस साल शुरू किया गया है मलेशिया के साथ में, और समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया के साथ में करता है, और यह भी एक नौसैनिक अभ्यास है जिसका आयोजन जो है इस साल भी किया गया 12 से 18 नवंबर 2019 इंडोनेशिया में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, समुद्र लक्ष्मण और समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैत्री 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, या फिर ऑप्शन डी है मेघालय। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी मेघालय। मैत्री नामक युद्ध अभ्यास जो है भारत थाईलैंड के साथ में आयोजित करता है, और 2019 का जो आयोजन है 16 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक आयोजित किया गया, और इसकी शुरुआत जो है 2006 में हुआ था, और मैत्री युद्धाभ्यास जो है एक थल सेना युद्धाभ्यास है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर सिम्बेक्स 2019 समुद्री युद्ध अभ्यास का आयोजन किया? समुद्री युद्ध अभ्यास, तो यहाँ पर यह चीज़ क्लियर हो गया होगा कि यह एक नौसैनिक अभ्यास है। ऑप्शन है आपके सामने सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी या फिर म्यांमार। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग सिम्बेक्स के बारे में भी जान लेते हैं। इस साल इसका 26वां संस्करण आयोजित किया गया। कब से कब तक आयोजित किया गया इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 16 मई से 22 मई 2019, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1994 में, और यह एक नौसैनिक अभ्यास है। बस इतनी बातों को आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है सिम्बेक्स से रिलेटेड। बताइए तो सिम्बेक्स कौन कौन से देश के बीच में आयोजित किया जाता है? भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया जाने वाला एक नौसैनिक अभ्यास है। ठीक, और जितने भी क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर सही कर रहे हो प्रश्न के बाद, उसका लास्ट में आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना पिछले कुछ वीडियो से नीचे कमेंट करके नहीं बता रहे थे कि कितने में से कितना सही किया। अगर आप लोग ज़्यादा सही करते हो तो हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है कि हमारी मेहनत का कुछ ना कुछ फल आप लोगों तक पहुंच रहा है। तो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने टोटल में से कितना सही किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इंद्र अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच में किया जा रहा है? आपका ऑप्शन है भारत अमेरिका, भारत रूस, भारत फ्रांस या फिर भारत नेपाल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा भारत और रूस। इंद्र अभ्यास जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, और कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत और रूस के बीच में आयोजन किया जाता है, और इस साल 10 से 19 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में, और 2019 का यानी कि इस साल के संस्करण का आयोजन जो है आपका झांसी में किया गया। 2017 से पहले देखिए यह एक सिर्फ थल सैनिक अभ्यास होता था, यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज होता था। 2017 के बाद इसमें नौसैनिक अभ्यास भी होता है, वायुसेना अभ्यास भी होता है, और थल सेना अभ्यास भी होता है 2017 के बाद। तो याद रखिएगा इंद्र अभ्यास जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इस बात को यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वो ये है, भारत और किस देश के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया गया? सूर्य किरण से भी बहुत साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, सूर्य किरण भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो इस प्रश्न का तो जवाब होगा सबसे पहले भारत जो है नेपाल के साथ में मिलकर सूर्य किरण नामक एक युद्ध अभ्यास का आयोजन करता है। इसका 14वां संस्करण इस साल आयोजित किया गया। कब से कब तक? 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक। यह एक वार्षिक आयोजन है, एक साल नेपाल में होता है तो एक साल इंडिया में होता है, और 2019 का जो संस्करण था सूर्य किरण का वो आयोजित किया गया नेपाल
में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास भारत किस देश के साथ मिलकर करता है, रूस, फ्रांस, चीन या फिर अमेरिका? तो हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास भारत चीन के साथ में मिलकर करता है। कई सारे एग्जाम में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो चीन के साथ में आयोजित करता है। 2019 का संस्करण कब से कब तक आयोजित किया गया? 7 दिसंबर से लेके आपका 20 दिसंबर तक आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? भारत के मेघालय में। यह भी एक वार्षिक युद्धाभ्यास है, एक साल चीन में आयोजित किया जाता है तो एक साल भारत में किया जाता है, और इसकी शुरुआत 2007 में हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ 11 मिलिट्री एक्सरसाइज के मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं। चांसेस है कि अगर मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो यहीं से पूछे जाएंगे। एक प्रश्न यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूँ कि भारत फ्रांस के साथ में मिलकर कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित करता है। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि अपने 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए किस पद के गठन करने की घोषणा की है? ऑप्शन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसके अलावा ऑप्शन बी है डिफेंस ऑन इंडिया, ऑप्शन सी है डिफेंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है डिफेंस एजेंसी इन इंडिया। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को पता चल गया होगा अगर आपने पढ़ा होगा कि इस साल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मस्ट इम्पॉर्टेंट रहा, बहुत न्यूज़ में भी रहा। तो इस प्रश्न का तो जो सही जवाब होगा, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों सेनाओं के बीच में बेहतर तालमेल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के गठन की जो है वो घोषणा किया गया है, और हाल ही में इसका गठन भी कर दिया गया है। सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए कि इसका गठन कर दिया गया है, और पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है भारतीय थल सेना के पूर्व अध्यक्ष विपिन रावत को। मस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस जो कि 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा किया गया था, जिसका गठन कर दिया गया है, जो कि पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ गठित किया गया है बिपिन रावत को। और चीफ ऑफ डिफेंस से रिलेटेड अगर हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करें तो इसकी मांग उठी थी इस तरह के डिफेंस स्टाफ का गठन करने का 1999 के कारगिल वॉर में। उस समय एक समिति भी गठित किया गया था इससे रिलेटेड, और उस समिति की अध्यक्षता किया था के सुब्रमण्यम ने। इन्होंने ही सिफारिश किया था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। अब ये जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या करेगा, तो ये भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को डायरेक्ट जो है सलाह दे सकेगा, यानी कि इन दोनों के सलाहकार के रूप में काम करेगा। इसके अलावा परमाणु मुद्दों पर भी यहाँ पर प्रधानमंत्री को डायरेक्ट सलाह देगा कौन, जो है आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और तीनों सेनाओं के बीच में बेहतर तालमेल की एक प्रक्रिया होगी इस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जरिए। तो मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को लेकर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे से करिएगा, और थोड़ी बहुत आप लोग चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में जितनी चीज़ों को मैंने बताया है उन चीज़ों को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन संकल्प किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, नीति आयोग या फिर भारतीय वायुसेना? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, भारतीय नौसेना की तरफ से ऑपरेशन संकल्प शुरू किया गया। कौन से क्षेत्र में किया गया? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में जो टेंशंस क्रिएट हो रहे थे उस टेंशन के बीच में भारत के जो भी जहाज हैं वो सुरक्षित आ सके, इसीलिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन संकल्प शुरू किया गया था फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑपरेशन संकल्प के बारे में पूछा जा सकता है। ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है, ऑपरेशन संकल्प कौन सी खाड़ी में शुरू किया गया, ऑपरेशन संकल्प किसके द्वारा शुरू किया गया, तो इस तरह से प्रश्न आपसे यहां पर बन सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना में चिनूक नामक हेलीकॉप्टर शामिल किया गया है, यह हेलीकॉप्टर भारत को किस देश से प्राप्त हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस या फिर ऑप्शन डी अमेरिका? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी अमेरिका।
भारत जो है अमेरिका के साथ में चिनूक नामक हेलीकॉप्टर पर समझौता किया था 2015 में। ये आपका $3 अरब का समझौता था, जिसके तहत में भारत को 22 चिनूक हेलीकॉप्टर मिलने वाले थे, जिसमें से 4 जो है इंडिया को मिल भी चुका है। तो इसीलिए चिनूक हेलीकॉप्टर कौन से देश से प्राप्त हुआ है, कितने डॉलर का समझौता हुआ था, कब समझौता हुआ था, तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यहाँ पर हाल ही में वेला नामक पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह पनडुब्बी का निर्माण किस श्रेणी के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए है स्कॉर्पियन श्रेणी, ऑप्शन बी करण श्रेणी, ऑप्शन सी वासगीर श्रेणी, ऑप्शन डी वागीर श्रेणी। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, स्कॉर्पियन श्रेणी के तहत में वेला नामक पनडुब्बी को निर्माण किया गया है। और यह पनडुब्बी का निर्माण हुआ है मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में। और सबसे पहले तो ये समझ लीजिए स्कॉर्पियन श्रेणी है क्या। स्कॉर्पियन श्रेणी के तहत में भारत जो है 6 पनडुब्बी का निर्माण कर रहा है। और यह स्कॉर्पियन श्रेणी कौन से देश की, और यह स्कॉर्पियन श्रेणी में कौन सा देश मदद कर रहा है? तो फ्रांस की मदद से भारत जो है स्कॉर्पियन श्रेणी के तहत में 6 पनडुब्बी का निर्माण कर रहा है, जिसमें से आपका एक पनडुब्बी वेला है। इसके अलावा 5 और कौन सा है? कलवरी है, खंडेरी है, करंज है, वगीर है और वासगीर है, ठीक है। तो ये 6 का नाम याद रखिएगा, फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, कलवरी, खंडेरी, करंज, वगीर, वासगीर और वेला। तो इसमें से कलवरी, खंडेरी, करंज और वेला ये आपके समुद्र में उतर चुके हैं, वगीर और वसगीर ये दोनों पर काम चल रहा है। तो स्कॉर्पियन श्रेणी के तहत में भारत 6 पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है फ्रांस की मदद से। और भारत का मजगांव डॉक लिमिटेड जो कि मुंबई में स्थित है, वो फ्रांस की मदद से 6 स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी को निर्मित कर रहा है। तो याद रखिएगा स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी के बारे में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कुछ एग्जाम्स में, तो यहाँ से भी ऑप्शन प्रश्न आपसे बन सकते हैं। और यह जो 6 पनडुब्बी का निर्माण किया जा रहा है स्कॉर्पियन श्रेणी के तहत में, ये प्रोजेक्ट 75 के तहत किया जा रहा है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट 75 के तहत में ही स्कॉर्पियन श्रेणी के अंतर्गत में 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट 75 के बारे में भी आप लोग यहाँ पर कुछ कुछ बातों को ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट का प्रश्न है, आकाश मिसाइल सिस्टम है। ऑप्शन ए सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, ऑप्शन बी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ऑप्शन सी एंटी टैंक मिसाइल है, या फिर ऑप्शन डी हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा। आकाश मिसाइल को किसके द्वारा डेवलप किया गया है? DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और हाल ही में आकाश मिसाइल का जो है नया संस्करण लॉन्च किया गया, सफल परीक्षण किया गया है। इस नया संस्करण का नाम है आकाश मिसाइल का MK-1S। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? उड़ीसा के बालासोर से किया गया। जो मेन मिसाइल प्रक्षेपण किया जाता है ना, चाहे ब्रह्मोस का किया जा रहा हो, चाहे आकाश का किया जा रहा हो, या भारत के कितने भी मिसाइल होते हैं जिसका प्रक्षेपण किया जाता है, या तो उड़ीसा के बालासोर से किया जाता है या उड़ीसा के चांदीपुर से किया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा अगर पूछा गया कि कौन से स्थल से प्रक्षेपित किया गया है और आपको आंसर नहीं पता हो, तो आप वहाँ पर उड़ीसा का बालासोर या फिर चांदीपुर ले सकते हो। और पहली बार जो है इस आकाश मिसाइल का मोबाइल लॉन्चर के माध्यम से यहाँ पर सफल प्रक्षेपण किया गया है, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल आज 15 से 16 क्वेश्चंस हमने डिफेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया है। इसके अलावा मैं आप लोगों को यहाँ पर सलाह दूंगा, मैंने सिर्फ एक मिसाइल के बारे में करवाया, किसके बारे में? आकाश के बारे में। इसके अलावा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं। इसके अलावा आप लोग एक मिसाइल के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेना, उस मिसाइल का नाम है पिनाकी मिसाइल। तो ये सब कुछ कुछ मिसाइल्स के बारे में भी आप लोग करके चले जाइएगा, खास आकाश, पिनाकी और ब्रह्मोस, इन तीन मिसाइल के बारे में आप लोग थोड़ी थोड़ी सी बातें पढ़कर चले जाइएगा। तो यहाँ पर हम लोग आज डिफेंस से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है कि आपसे प्रश्न जो है यहीं से बनेगा, ठीक है। और इसके अलावा किसी भी तरह से कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।